अरे क्या हुआ मोरूपन, इतने विचलित क्यों लग रहा? वहीनी साहब, झांसी नरेश गंगाधर राव का सिद्ध कवच कहीं खो गया है और वो उन्होंने स्वयं इस महल के किसी कन्या के गले में देखा है। क्या वहीनी साहब, दुर्गा माता का वो सिद्ध कवच झांसी नरेश गंगाधर राव को अत्यंत प्रिय है। दुर्गा माँ का हार तुम्हारे गले में कैसे? लगता है गंगा मैया ने मुझे उपहार में दिया है। याद आया, वो कवच मनु को मिला था और वो उसे पहन भी रही है। ये देखिए बाबा, मैं यही स्नान कर रही थी, अपने आप मेरे गले में आ गया। मेरी साहब, ये वही कवच है। चलो मनु। मनु क्या हुआ आज सर? मनु, तुम्हारे गले में जो कवच था वो देना, कहाँ है? क्यों है मेरे पास, ये देखिए। क्या हुआ? हाँ पापा, यही था। अरे कहाँ है? यही है। अरे कहाँ गया? आज सर एक मिनट, ठीक से देख। अरे बेटा, वो कवच झांसी नरेश गंगाधर राव का है और वो उसे ढूंढ रहे। कहाँ रखा तूने? कहीं गिरा तो नहीं दिया ना? मनु, अरे कहाँ गिरा दिया? जी सर, कुछ देर पहले यही मेरे गले में था और अब पता नहीं। अरे याद कर, कहाँ गिरा दिया तूने? देख ढूंढ। बाबा, मैं तो स्वयं ही नहीं समझ पा रही हूँ कि वो कवच कहाँ गिर गया होगा। मनु, तुझे अभी तक आभास नहीं है, वो कवच झांसी नरेश का है। उनकी स्वर्गवासी पत्नी ने उन्हें दिया था, उन्हें अत्यंत प्रिय है वो, और उन्होंने इसी महल की किसी कन्या के गले में वो देखा है। परंतु बाबा, वो कवच तो हमें गंगा मैया से मिला था। अरे मिला होगा, परंतु अब कहाँ है, ढूंढ उसे। इससे पहले कि श्रीमंत सरकार काशी नरेश को बारात लाने के लिए निमंत्रण पत्र भिजवाए, उस कवच का मिलना अति आवश्यक है, अन्यथा बात बहुत बढ़ जाएगी। हे देवा, दोबारा ढूंढते हैं, शायद मिल जाए। हे देवा, कवच मनु के गले में ही था। हे देवा, कहाँ चला गया? आप तो जानते हैं मोरूपन, हमें जिनसे बात करना भी पसंद नहीं, आज उनकी बात सुननी पड़ेगी।
क्या कर रही है, क्या ढूंढ रही है? नहीं, वो क्या है ना, ये बैठक अस्त व्यस्त था ना, तो हम ठीक कर रहे थे। अरे वहीनी साहब, आप भी ना किसी से कह दीजिए, वो कर लेगा। मुरुपान जी, मेरे साथ चलो। काशी नरेश को बारात लाने का निमंत्रण देने जा रहा हूं। अभी से क्यों? मेरा मतलब है, दोपहर में तो बाराती विश्राम कर रहे होंगे। वहीनी साहब, विवाह में विश्राम कैसे? अभी ये सब कुछ छोड़िए और अपनी तैयारी कीजिए। हाँ मोरोपंत, पंडित जी से मिलकर फेरों का शुभ मुहूर्त पूछ लीजिए, ठीक है? जी श्रीमान सरकार। देवा, ये अनर्थ ना होने देना, मेरी लाश रख ले प्रभु। उस कन्या का मिलना अति आवश्यक हो गया है रघुनाथ। अब तुम्हारा केवल यही काम है कि किसी भी तरह कवच को प्राप्त कर दे। महाराज, हमने मोरोपंत को अच्छी तरह से समझा दिया है, वो निश्चित रूप से उस लड़की को ढूंढ लेंगे। यही उन सब के लिए उचित भी होगा। ऐसा कैसे हो सकता है कि महल में एक लड़की हमारा कवच पहन के घूम रही है और महल वालों को पता तक नहीं? क्या बात है महाराज? मधुपक्ष की ओर से बारात नियंत्रण की प्रथा आरंभ होने जा रही है। काशी नरेश आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। ठीक है, तुम जाओ। हम नहीं जा पाएंगे महाराज, क्षमा कीजिएगा। दरअसल आपने अभी तक किसी भी प्रथा में हिस्सा नहीं लिया है। कहीं हम जानते हैं रघुनाथ, परंतु अभी हमारी मनस्थिति नियंत्रण में नहीं है। हम कवच को भुला नहीं पा रहे, और ऐसे में श्रीमंत बाजीराव पेशवा से सामना न होना ही ठीक है। ठीक है महाराज। काशी नरेश को हमारा संदेश भेजा जाए। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। आदरणीय काशी नरेश, शामक राव जी, आप अपने सुपुत्र एवं गणमान्य भारतीयों सहित हमारे यहां सादर आमंत्रित हैं। अभी ये निमंत्रण अपने पास ही रखिए। हम आपका आशय नहीं समझे। आप सब कुछ समझ रहे हैं, परंतु समझना नहीं चाहते। हम अपने परम मित्र काशी नरेश, माननीय गंगाधर राव का सिद्ध कवच, जो आपके महल की किसी कन्या के पास है, सबसे पहले उसे भिजवाइए, फिर हम आपका निमंत्रण स्वीकार करेंगे। श्यामक राव जी, आपको क्या हो गया? एक साधारण कवच के लिए आप हमारा आमंत्रण अस्वीकार कर रहे हैं? साधारण? जो वस्तु किसी को अत्यंत प्रिय होती है वो साधारण नहीं होती। अत्यंत मूल्यवान से
प्रिय से। अभी ये बाजीराव पेशवा इतना लाचार नहीं है। ऐसे एक तो क्या हजारों कवच अपनी पुत्री पर न्योछावर कर सकता है। हजारों नहीं, लाखों कवच निछावर कर सकते हैं श्रीमंत बाजीराव पेशवा साहेब। परंतु असीम प्रेम श्रद्धा और भावनाओं से वो पोत सिद्ध कवच को अंग्रेजों से पाई पेंशन के टुकड़ों से खरीद नहीं सकते।